लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने हाल हाल ही में एक बिल पास की है कि जो किसान लोग हैं वो अपने फ्रूट को किसी भी जगह खुद ही बेच सकते हैं। ये खुशकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है, और गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो यहाँ सेब की जो रेट है इसके बारे में गवर्नमेंट को डीपली सोचना चाहिए कि इसकी रेट अच्छी होनी चाहिए और जो किसान लोग हैं उनको भी अच्छी राहत मिलनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूंगा कि हम सेब प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं, हम किसान हैं, हमारे घर में सेब के बागात हैं, जब से गवर्नमेंट ने ये बिल पास की है तो हमने राहत की सांस ली है, क्योंकि अभी तक हम अपने सेब को बेचने के लिए मंडियों तक महदूद थे। मंडी में जो व्यापारी होते हैं वो हमें कोई भी रेट दे सकते हैं या हमसे वो किसी भी रेट में ले सकते हैं, हम मजबूर लोग थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये बिल पास की है तो इसके लिए हम इसकी खैर मकदम करते हैं। इससे हमारी जो सेब की जो पैदावार है हम उसको किसी भी जगह किसी भी रेट में बेच सकते हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। ये जो गवर्नमेंट ने बिल पास किया है इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम अपना माल कहीं भी बेच देंगे जहाँ से हमारा ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ तो बहुत सारा ये तो सेबों का बागों का गार्ड माना जाता है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा सेब निकलता है हमारे साउथ कश्मीर में। यहाँ तो बहुत सारे लोग इसमें चाहे लेबर से लेके ट्रांसपोर्ट है, बाकी बागात के मालिकान सब इसमें बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। फार्मर जो है ना उसकी अपनी चॉइस रहेगी कि वो कहाँ पे अपना जो है अपना प्रोड्यूस को सेल करेगा, तो ओपन है। तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये एक फार्मर फ्रेंडली है, फार्मर की चॉइस रहेगी कि वो अपना प्रोड्यूस कहीं पर भी जाकर वो बेच सकता है, अपनी मर्जी से बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है पहले दाम जो फिक्स होते थे वो मंडी के अंदर होते थे कि भाई इसका ये रेट है तो यही रहेगा, चार लोग बैठे दस लोग बैठेंगे फिक्स किया रेट तो ये होगा। अब फार्मर की चॉइस है कि फार्मर अपनी प्रोड्यूस जो है वो कहाँ पे जाके बेचता है, तो डेफिनेटली जो है ये फार्मर के लिए एक बूस्टिंग फैक्टर है, जो उसको जो उसकी लागत जो उस पर लगा रहा है और जो बेनिफिट उससे वो ले रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट जो है वो फार्मर को मिलने वाला है इससे।